तो आज मिलेंगे को बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि हमारा वाईफाई एक्सटेंड है। तो मॉडल हमारा TP-Link AC1750। तो ये प्रोडक्ट आपको इतना हो तो वीडियो लिंक है वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो बहुत ही सारे मैंने वाईफाई एक्सटेंडर देखे हैं, बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसके बाद मैंने ये मुझे पसंद आया। थोड़ा सा महंगा है, आपको अगर बेटर क्वालिटी और बेटर रेंज चाहिए तो आई थिंक मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर खास बात यह है कि अपना 5G भी सपोर्ट करता है। जी हाँ, अगर आपके घर में 2.4 तो है ही, 5G नेटवर्क भी है जो आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं हमारे, तो वो भी ये सपोर्ट करता है, तो उसके वाईफाई को भी एक्सटेंड करता है। इसलिए मैंने ये वाला चुना है क्योंकि और भी कई कंपनी के मॉडल आ रहे थे, थोड़े सस्ते भी मिल रहे थे, ये ऑलमोस्ट 4000 का पड़ा है मुझे तो। पर उसके अंदर मैंने रिव्यूज वगैरह देखे, बेस्ट जो है जहां तक मेरे हिसाब से बेस्ट जो 5G और ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बजट के अंदर आप देखें, वरना 8-9-10 हजार के भी मिलते हैं, आई थिंक ये काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन। इसके अंदर अपना जो है लैन कनेक्शन से भी अपना वाईफाई एक्सटेंड कर सकते हैं, अपना वायर आप इसके अंदर लगाइए अगर आपके घर में वायर का ऑप्शन है तो, वायर से अपना नेटवर्क और भी ज्यादा एक्सटेंड, जिनको वायर से कनेक्शन करना है क्योंकि वायर की क्वालिटी जो होती है वो और भी ज्यादा बढ़िया होती है। रेंज अच्छी खासी है, बहुत बेस्ट नहीं कहूंगा, पर आई थिंक 4G की तो स्पीड काफी अच्छी है, रेंज अच्छी है, 5G भी अच्छी खासी है। वीडियो के अंदर मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, मैंने थोड़ी बहुत टेस्टिंग करी है कितनी दूर जाके जलता है और आई थिंक मेरे हिसाब से रेंज अच्छी है। स्पेशली अगर आपके घर में 4K अगर आप टीवी है, 4K वीडियो अगर आप देखते हैं तो 4K में आपको काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि 4K के लिए आपको अच्छी काफी 40-50 Mbps की स्पीड चाहिए होती है। तो 5G अगर आप कनेक्शन कनेक्ट करेंगे, नेटफ्लिक्स वगैरह देखेंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई आपको दिक्कत होगी क्योंकि मैं 3-4 टीवी के अंदर 4K कंटेंट देखता हूं और कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती। 3 साल की इसके अंदर मिलती है वारंटी जो कि आई थिंक काफी अच्छी बात है, TP-Link की मिलती है 3 साल की, काफी अच्छी होती है। आइए मैं आपको इसको दिखाता हूं कैसे आपको इसको चलाना है, कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है और रेंज भी हम इसके अंदर टेस्ट करेंगे। तो ये है हमारे वाईफाई एक्सटेंडर का बॉक्स और काफी बढ़िया बॉक्स है। पर बॉक्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रही है, लिखा भी हुआ है 3 साल की वारंटी, और 3 साल की वारंटी काफ़ी ज़्यादा होती है और यूजुअली ये प्रोडक्ट्स जो हैं 4-5 साल से ज़्यादा भी चल जाते हैं अगर आपकी किस्मत ख़राब नहीं हो तो बिल्ड क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आइए खोल के देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान मिलता है। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ मिल रहा है हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा एक्सटेंडर और इसको अभी रख देते हैं साइड में, देखते हैं भाई कुछ और हमें मिलता है कि नहीं। और यहाँ हमें लैन केबल नहीं मिली, यूजुअली वाईफाई राउटर और एक्सटेंडर के साथ हमें एडिशनल एक लैन केबल मिलती है, बहुत सस्ती होती है, इनको देनी चाहिए थी, कभी किसी के पास नहीं हो तो उसके काम आ जाती है। तो अगर ये हम देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया, एकदम एक नंबर क्वालिटी लग रही भाई, वाईफाई एक्सटेंडर की बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बल्की है, पर बल्की लग रहा है पर है बहुत बढ़िया। अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो भाई लोग बोलेंगे भाई ये क्या चीज़ आपने लगा रखी है, आपको सब लोग एक बार पूछेंगे भाई ये क्या चीज़ है, तो काफ़ी बढ़िया है दिखने में। और अगर यहाँ देखें तो ये हमारे एंटीना है, इससे आप चाहें तो अपने एंटीना को एक्सटेंड कर सकते हैं, साइड में भी 2 आपको एंटीना मिलते हैं। ये देखिए इससे आपकी रेंज जो है थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए। और ऊपर की तरफ देखिए ये हमारा WPS का बटन है, जिससे अगर आपके वाईफाई पे बटन हो तो सेम टू सेम आपको कनेक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस दोनों में आपको बटन दबाना है। ये 2.4 GHz की लाइट है, अगर आपके 5G राउटर है तो यहाँ पे 5G की भी LED है, यहाँ पावर है जिसमें आपका ये एक्सटेंडर ऑन है या नहीं ये आपके दिखेगी। इस तरह देखेंगे यहाँ एक LED का बटन है, आई थिंक शायद LED ऑन ऑफ का बटन होगा, मुझे ध्यान नहीं है। ये हमारा पावर बटन है, अगर आपको ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ से पावर बटन भी है, नीचे की तरफ कुछ नहीं है। और इसे देखेंगे तो यहाँ पे इथरनेट का पोर्ट है जो कि आपको गीगाबाइट की स्पीड प्रोवाइड करता है, इससे डायरेक्ट अपने TV से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसको अब हम चला के देखते हैं। सबसे पहले स्टेप आपको अपने एक्सटेंडर को पावर सॉकेट के अंदर लगाना है और आपको देखना है ये वाली लाइट जब तक स्टेबल नहीं होती, पावर वाली लाइट, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना। आप देखेंगे अभी ब्लिंक कर रही है, अपने आप जब ब्लिंक करनी बंद हो जाएगी तब आपका जो है वो अच्छे से ऑन हो जाएगा, उसके बाद ही आप सारे जो है प्रोसेस कर सकते हैं जब आपको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना हो। तो अब देखेंगे हमारी लाइट स्टेबल हो गई है, ब्लिंक नहीं कर रही, अब हम अपना WPS का बटन दबाएंगे। तो ये मेरा जियो का वाईफाई राउटर है और यहाँ पे छोटा सा बड़ा बटन देख पा रहे हैं, तो ये हमारा है WPS का बटन, इसको अब हमें दबाना है और अब जो है ये पेयरिंग मोड पे आ जाएगा।
मॉडम के बाद दबाने के बाद आपको ये वाला बटन दबाना है, एक सेकंड के लिए आप दबाए रखेंगे तो अपने आप जो है ये वाईफाई से आपके पेयर हो जाएगा। जब ये लाइट आपकी स्टेबल हो जाएगी मतलब कि आपका वाईफाई से जो है अब कनेक्ट हो गया है, तो आई थिंक अब हमारी लाइट जो है स्टेबल होने ही वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट जो है अब स्टेबल हो गई है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में भी चल रहा है और 5G पे भी चल रहा है। कभी कभी क्या होता है अगर आपका ड्यूल बैंड राउटर होता है जैसे 2G और 5G तो आपको ये सेटअप दोबारा भी करना पड़ सकता है, मुझे एक बार ही करने को पड़ा है। अगर आपका 2G खाली दिखा रहा है तो 5G चलाने के लिए आपको शायद दोबारा से WPS को दबाना पड़े, तो आपको ये सेटअप दो बार भी करना पड़ सकता है। अब आते हैं यहाँ पे जो LED का बटन है, अगर आप रात में अपने घर पे लगा रहे हैं और आपको इसकी लाइट जो है वो पसंद नहीं है तो यहाँ अगर आप LED का बटन दबाएंगे तो ये देखिए इसकी लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि हमारा एक्सटेंडर ऑफ होगा, एक्सटेंडर हमारा ऑन ही रहेगा, बस ये लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगा। आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ है, कभी कभी कई लोगों को बिल्कुल अंधेरे में सोने की आदत होती है तो आई थिंक उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया फीचर है। बस आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि भाई हमारा राउटर चल रहा है चल रहा, तो आपको अपनी लाइट ऑन ही रखनी चाहिए दिन में। तो जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं WPS ऑप्शन से तब मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप जिस कमरे में आपका वाईफाई राउटर है उसी कमरे में ही अपना एक्सटेंडर रखिए। बाद में जब पेयर हो जाए उसके बाद आपको दूर कमरे में दो कमरे चार कमरे इतनी दूर रखना है तब आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है सिग्नल जो है अच्छे से कैच नहीं करता तो आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए एक बार रेंज टेस्ट भी कर लेते। यहाँ देखिए यहाँ मेरा कोने में वाईफाई एक्सटेंडर है और अगर मैं अपने कमरे से बाहर चले जाता हूँ और इसका डोर मैं कर देता हूँ बंद तो भाई इससे हल्का पुल्का बाहर ही वाईफाई की रेंज आती है, उसके बाद वाईफाई की रेंज नहीं आती। तो यहाँ मैंने एक्सटेंडर लगाया आप देख सकते हैं और करीब करीब 20 मीटर दूर मैं चल के जा रहा हूँ और ये मेरी बालकनी में जा रहा हूँ, यहीं पे अपना स्पीड टेस्ट करेंगे। और ये हमारा मोटा शीशे का दरवाज़ा है, इसको भी मैं बंद करूँगा और फिर हम देखते हैं कि हमारी स्पीड आती है कि ये मैंने कर दिया डोर सील। अब हम देखते हैं हमारा वाईफाई जो है वो 5G से ही कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं EXT 5G यहाँ पे आ रहा है। और अब मैं क्लिक करता हूँ स्पीड टेस्ट और देखते हैं कितनी हमारी जो है यहाँ पे आती है स्पीड 5G। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी स्पीड आ रही है, डोर सील शट है हमारा क्योंकि ये शीशे के दरवाजे होते हैं, ये आवाज़ को और सबको ब्लॉक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी खासी स्पीड आ रही है, 76 की 100 MB की स्पीड है हमारी और हल्की सी स्पीड ड्रॉप होगी अगर मैं दरवाज़ा आई थिंक खोल दूंगा तो वो शायद हमारी फुल स्पीड आ जानी चाहिए। और फिर भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी 5G की रेंज आ रही है। अगर मैं शीशा घर पर खोलता हूँ तो यहाँ फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं भाई स्पीड में फ़र्क आता है कि नहीं। तो ये मैंने करा और दोबारा से अगर हम चलाएँ तो यार देखिए शीशा अगर मैंने खोल लिया है तो आप देख सकते हैं 30 MB का फ़र्क आएगा। देख सकते हैं एकदम एयर टाइट स्पीड है और सॉरी एयर टाइट दरवाज़ा है, फिर भी हमारी वाईफाई जो है इसको पार करके आ रहा था। आई थिंक रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों ये था हमारा TP-Link AC1750 वाईफाई सेटअप, मैं पर्सनल घर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने नॉर्मल अगर आपका ऑफिस हो, छोटा मोटा सेटअप हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाला घर हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मेरे को लगता है आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। वरना आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ जाएंगे, उनसे पैसे बचाने के लिए आई थिंक आप ये वाला डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। यही प्रोडक्ट आपको इतना हो तो वीडियो लिंक है वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई लगेगा चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।